Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो गाइस अभी मेरे पास 4520 क्राउन जमा हो चुका है और जो मेरा आज का टारगेट है वो है 4530 क्राउन जमा करने का। तो देखते हैं मुझे कितने मैच लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आ चुका है यहाँ पर लॉस्ट टेंपल। तो भाई आला मैच अगर मैं जीत गया तो आज का पहला मैच जीत जाऊंगा अपना। मैं देखते क्या होता है इसके अंदर। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ना ये हड्डी में से कोई किक करेगा, तीनों हड्डी में से तीन हड्डी यहाँ पे, तीनों में से एक ना एक तो भाई किक मारेगा जरूर। तो जब वो लोग में से कोई किक मारेगा तो मैं किक मार दूंगा भाई उन लोग के पीछे रह के, तो अच्छा चांस बने रहेगा मेरा। मतलब चलो निकल जाएंगे यहाँ पर जंप लगा के डाइव, कोई भी हड्डी किक नहीं मार रहा, अच्छी बात है। और एक किक मारा भाई, मम्मी ने किक मारा वहाँ पर, मम्मी से बचना पड़ेगा भाई। हड्डी लोग तो किक नहीं मारे लेकिन भाई मम्मी किक मार रहा वहाँ पे, जो एकदम ऐसा हल्की येलो स्किन है ना वो वाला। और यहाँ पर हड्डी तो आ रहा भाई मेरे पीछे पीछे, वो किक नहीं कर रहा, अच्छी बात है। चलो मम्मी तो दिख नहीं रहा दूर तक का, हड्डी भाई किक रहने के बावजूद भी पीछे रह गया वो। और यहाँ से भाई देखते हैं गोला का भाई, ये अब लेफ्ट से आएंगे यहाँ से आराम से उड़ी मार के निकल गया और जीत गया भाई पहला मैच, जीत गया यहाँ पर अपना मैं। और बस भाई मुझे 9 मैच और जीतना आगे के, देखते क्या होगा आगे भी। तो यहाँ पर आ चुका भी पेंट स्प्लैश। तो भाई अगर यहाँ मैच अगर मैं जीता तो मेरी 2 मैच की स्ट्रीक बनेगी, देखते बनती है कि नहीं। यहाँ पर बीच में खड़ा रखा, अच्छी बात है। ये लेफ्ट में खड़ा रहता ना भाई वो दिमाग खराब हो जाता, मतलब वहाँ पे आते थे फड़े थे यार, कोई आने देता ही ना आगे। और यहाँ पर है ना बिना किक मारने का तो अच्छी जगह, लेकिन यहाँ पर किक नहीं मारूंगा मैं क्योंकि भाई कोई किक नहीं मार रहा इसके अंदर, अच्छी बात है। जो कोई किक नहीं करता भाई खेलने लगी मजा आती है, फिर ना कॉम्पिटिशन लगता है भाई सब साथ में भाग रहे तो कौन आगे निकलेगा कौन पीछे रहेगा। अगर किक मारते ना भाई फिर खेल का मतलब मज़ा खराब हो जाता है। और यहाँ पर पहुँच के सबसे आगे बस ये दोनों मेरे पीछे आ रहे भाई, इन दोनों को पीछे रहना पड़ेगा। यहाँ पर लेफ्ट से आऊँगा, फालतू में राइट से नहीं कूदूंगा, नहीं तो भाई हीरो पंटी की जगह पर एकदम गेम खराब होता पूरा अपना। और पड़ा उसको बहुत भयंकर, यहाँ पर बस बीच में से निकल जाऊंगा भाई फटाक से। और पहुँच गया भाई, पहुँच गया और अब जीत गया भाई, दूसरा मैच भी तो आसानी से जीत गया मैं। और बस मुझे यहाँ पर अभी 8 मैच और जीतना और मेरे यहाँ पर 2 मैच की स्ट्रीक बन चुकी है। तो भाई देखते क्या होगा आगे भी। तो यहाँ पर आ चुका अभी बॉम्बार्डमेंट आ गया है, तो भाई इससे पहले एक मैच हार गया मैं अपनी यार, 3 मैच की स्ट्रीक बनते बनते रहेगी मेरी, नहीं तो भाई 3 मैच की स्ट्रीक बन जाती अभी तक मेरी। और इसके अंदर भाई जीतना पड़ेगा और देखते हैं भाई कौन पंच करे भाई। नेट लैग मत खा यार, नेट लैग मत खा यार, क्या भाई 2 राउंड जीतना मचा जा रहा, तीसरे राउंड में नेट लैग खाने लग गया यार। और अभी भी नेट लैग खा रहा भाई, देखो अभी भी हल्का हल्का अटक रहा है गेम मेरा। देखो अब ये मैसेज आ गया भाग यार, इसके वजह से और गेम देखा था फालतू में यार, ये गेम की पता नहीं क्या परेशानी यार। मैं दूसरा गेम खेलूंगा उसमें मैसेज आता है कुछ भी आता है, गेम हल्का से भी लैग नहीं खाएगा, ये खेलते रहूँगा भाई कुछ मैसेज आया गेम लैग खाने लगेगा पूरा का पूरा। पता नहीं क्या बना के रखे लोग ने गेम के अंदर, जैसे आया ना गेम है ना यार बड़े मोबाइल के लिए एकदम वो नहीं रखे लोग ने, क्या बोलते बनाए नहीं बड़े मोबाइल के लिए। यहाँ पर देखो अपने आप ही डाइव मार लिया उसने वहाँ पर, वैसे मेरे से बटन दबी है गलती से, लेकिन भाई पता नहीं कैसे मैं स्क्रीन को मारा था डाइव मार गया। और यहाँ पर 2 लोग एलिमिनेट हो गए, शैतान पंच मार रहा भाई शैतान, और जोकर भी पंच मार रहा था, दोनों को पंच मारने के, रुको अभी दोनों को पंच करके गिराऊंगा रुको, देखो जोकर पंच कर रहा वहाँ पे। और बम फट गया भाई उसके पिछवाड़े पे, बम फटा एकदम चूसे के चूसा गिर गया नीचे। और शैतान पंच कर रहा था ना यार, मेरे को तो नहीं मार रहा भाई, लेकिन मेरा असली टारगेट है ना जोकर, यहाँ पे असली टारगेट मेरा जोकर है कुछ भी बोलो। और नीला शैतान पंच कर रहा था कि भाई वो जोकर ही मार रहा था, ऐसा लगा मुझे नीला शैतान। अरे भाई तो आप बचा भाई, मैं मेरे मुंह पे आके बम टकराया एकदम, अब मारेंगे रुको जोकर को मारेंगे यहाँ पे जाके, पड़ जा एस पड़ गया भाई जोकर को लिटा दिया अपन ने, जोकर को लिटा देने वहाँ पे। और बस ये कितने 2 ही लोग बचे यहाँ पर अभी, ये पुलिस वाला और लोमड़ी बची, बस देखते भाई दोनों में से कौन कितना लंबा खेलता है इसके अंदर अभी। वैसे इन दोनों को पंच नहीं करूँगा, देखो ये लोग दोनों डर रहे मेरे से, डरते डरेंगे खेलते खेलते। लोमड़ी जरा भी नहीं डर रहा भाई, लोमड़ी को पता मैं पंच नहीं मारूंगा उसको। तो यहाँ पर पुलिस वाले को डर लग रहा है हल्का हल्का मेरे से, लेकिन भाई पुलिस वाला हो चुका अपने उसमें आ चुका, मतलब बात में साथ ही बन चुका हमारा। और यहाँ पर रुकना पड़ेगा उसको कोई भी हालत में, अगर मैं पंच नहीं भी करूँ ना तो भी इसको यहीं पर रुकना पड़ेगा, अगर मारूँ तो भी इसको यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि भाई सामने जाने में बहुत खतरा है वहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो भाई 3-3 बम फेंक दिया वहाँ पर उस गेम वाले ने वहाँ पे। और वैसे रैंडम बम फेंकता है, एकदम रैंडम फेंकता भाई, ऐसा रखना चाहता कि कोई एक जन बम फेंकेगा बाकी सब खेलेंगे तो और मजा आता है। और भाई पुलिस वाले का गंदा गिरा वहाँ पर। और बस अभी भाई एकदम लाइन में बम फेंका जा रहा है यार, कहाँ है चलिए कोने में खड़े रहेंगे अच्छा रहेगा। और लोमड़ी का बचा भाई, मैं भी लोमड़ी की टाइल फटी, लोमड़ी उड़ा क्यों नहीं यहाँ पर, ये क्या ये चले भाई, लोमड़ी की पूरी टाइल फट गई जो टाइल पर लोमड़ी खड़ा हुआ था, लोमड़ी उड़ा भी नहीं, मतलब क्या है भाई ये फालतू चाले कुछ भी। मतलब ऐसा होता है भाई कि अगर जो तुम टाइल पर खड़े हो टाइल फटेगी तुम्हारे प्लेयर उड़ जाएगा हवा में, जो डायरेक्ट पानी में गिरेगा एकदम हल्का किनारे पे था। और कहाँ कूद गया भाई, कहाँ कूद गया, ये खुद ब खुद आउट हो गया और जीत गया मैं अपना तीसरा मैच यहाँ पर। अब मुझे बस 7 मैच और जीतना आगे के, देखते क्या होगा आगे अभी। और यहाँ पर आ चुका है अभी कैनन क्लाइम आ गया है, तो भाई यार ये मैच अगर मैं जीता तो मेरी 2 मैच की स्ट्रीक बनेगी यहाँ पर, देखते बनती है कि नहीं। अच्छे से यहाँ पर वापस से नेट लैग खा रहा है यार, वापस से नेट लैग खा रहा है वहाँ पर, बन के आया था उल्टा ही बन के आया था ऐसे वहाँ पे, रुक के आऊँगा थोड़ा, देखो पड़ा उसको रुकते नहीं ना भाई, ऐसे ही होता पड़ता है रुकते नहीं अगर तो। और यहाँ पर रुके मैं पीछे इसलिए भागा क्योंकि भाई लोग धक्का देकर आगे लेके आ रहे थे मेरे को, इसलिए पीछे हट गया रुके थोड़ा, अगर रुके रहता ना भाई लोग धक्का देकर मेरे को हथौड़े से लड़वा देते जाके। यहाँ पर अब निकलना भाई, एकदम आगे भाग रहा है यार, अब तो टेंशन नहीं जरा भी किसी बात का, एकदम आसानी से निकल जाऊँगा एकदम ईजी भाई। अब तो यहाँ पर आगे किक भी मार दूंगा आगे जाकर, वैसे कोई है नहीं तो यहाँ पर किक मारेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं। और आराम से भाई उड़ी मार के अंदर किक मार के घुस जाऊंगा, अरे भाई बूस्टर लगा नहीं लेकिन कोई बात नहीं, मैं जीत गया अपना 4th मैच यहाँ पर और मेरी 2 मैच की स्ट्रीक बन चुकी है। वापस से देखते बाकी के 6 मैच कैसे तो अपना आगे के अभी। तो यहाँ पर आ चुका अभी पेंट स्प्लैश। तो भाई यारी मैच आने से पहले 2 मैच हार गया भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, 2-2 मैच जीत के 1-1 मैच या 2-2 मैच हार जा रहा हूँ मैं।
इससे पहले भी दो मैच जीत के एक मैच हारा, अब दो मैच जीत के दो मैच हार के आप देखते आ जीत पाता होगी नहीं, अच्छे से खेलना पड़ेगा। और भाई किक मार दूंगा इसके अंदर मैं, क्योंकि मुझे पता है हड्डी किक मारने वाला इसके अंदर, हड्डी वहाँ पर किक मारेगा जरूर भाई, हड्डी किक मारेगा। नहीं मार रहा भाई, क्यों क्यों भाई क्यों, या तो उसको मौका नहीं मिलेगा किक मारने का, लेकिन भाई किक मार रहा भाई, हड्डी के पास किक है एकदम यकीन है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर रहे भाई। चलना भाई गेम चलता अच्छे से, मेरे को ऐसा लग रहा था हड्डी के पास किक है इसलिए मैं किक मार दिया वहाँ पर, पूरा यकीन था मुझे, लेकिन भाई नहीं है उसके पास शायद किक, मैं फालतू में मार जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा लंबा होकर जाना पड़ेगा, और अभी कहाँ पर आएगा भाई, लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट से पूरा लंबा कूदना, नहीं नहीं बीच में जाऊँगा, बीच में आऊँगा, फालतू में लंबा नहीं कूदने का भाई, बीच वाला हिस्सा आ जाता था। और जीत गया भाई, पांच बार उन्हें यहाँ पर जीत गए तो आसानी से, और अभी देखते भाई बाकी के पांच मैच कैसे है। तो भाई स्ट्रीक तो बनी नहीं पड़ी आज तीन मैच के, देखने का होगा लेकिन आगे भी। और यहाँ पर आ चुका है अभी पेंट स्प्लैश आ गया भाई, और आज क्या हो रहा है भाई, पेंट स्प्लैश बहुत दे रहा है, कुछ तीसरा चौथी बार दे रहा है, और इससे पहले एक और मैच हार गया भाई, मैं पता नहीं क्या हुआ भाई, पाँच मैच जीत के पाँच मैच हार गया भाई, अभी तक का पूरा टाइम खराब हो रहा बस मेरा। यहाँ पर अभी अच्छे से खेलना पड़ेगा भाई, और मैच हारना नहीं चाहता मैं, एकदम फटाफट जीतना मुझे दस मैच हार के। और किक क्यों करा भाई मैंने इधर फालतू में, मैं फालतू में किक मारा है वहाँ पर, जरूरत थी नहीं मारने की, एकदम आराम से कूद के जाऊँगा आगे और डाइव मार के यहाँ पर किक मारेंगे, यहाँ पर सही जगह ना किक मारने की है। और अभी मैं किक इसलिए मार रहा हूँ ना भाई, क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है भाई किसी ने भी उसकी किक तो है पीछे, बस दिख नहीं पा रहा वो प्लेयर मुझे, और मैं नहीं चाहता भाई इसको मौका मिलता मैं मेरे किक नहीं मारने की वजह से, पहुँच गया, चलो पहुँच गया इसके ऊपर, और यहाँ पर भी पहुँच गया, और बस आराम से भाई छठा राउंड भी जीत गया इसके हाथ में, और बस मुझे अभी चार मैच और जीतना भाई। अब देखते भाई एंड में मेरी तीन ही मैच की भी स्ट्रिक बनती है कि नहीं, आज देखते क्या होगा लेकिन आगे भी। और आ चुके यहाँ पर अभी ब्लॉक डैश आ गया है, तो भाई यारी मैच अगर मैं जीता तो मेरी दो मैच की स्ट्रिक बनेगी, देखते बनती है कि नहीं, आराम से खेलेंगे भाई आराम से खेलेंगे। ब्लॉक डैश है वैसे भी एकदम हल्वी लेवल है यार, पहले मुझे बहुत ऐसा हार्ड लगती थी एली लेवल, इसलिए मैं बस चढ़ता था एली लेवल, जब भी आते थे मतलब भाग यार कौन से लेवल आ गए, लेकिन अब ना एकदम आसान पड़ने लगी मुझे, और इसलिए ऐसा लगता था क्योंकि भाई जब से ब्लॉक डैश आया था ना गेम के अंदर, तब से मैंने गेम खेलना एकदम बंद कर दिया था भाई वो टाइम पे, तो एकदम महीने में एक दो बार खेल लिया तो खेल लिया, लेकिन तो भाई उसके अलावा खेलता भी नहीं था मैं, और इतना सीरियस लेके खेलता भी नहीं था, वीडियो बना के डालता तो भी यही चार पाँच मैच खेल के वीडियो बना के डाल देता इसे डायरेक्ट तो, लेकिन अब फिर मैं जब दस मैच की विन वापस से बनाना चालू करा तब मैं ज़्यादा खेलने लगा इसको, तो मुझे ये लेवल जमने लग गई अब। तो यहाँ पर अभी एक जन एलिमेंट हुआ, छह लोग अभी भी बचे हुए हैं, देखते कि चला हुआ खेलते भाई छह लोग ये, और यहाँ पर अभी आराम से जाऊँगा लेफ्ट में। और भाई धक्का क्यों दे रहा भाई शाक यार, सुकून से सुकून नहीं रहता भाई लोग, एक एक सेकंड का सुकून नहीं रहता है लोग को, पीछे हट जाए यार मैं पीछे हट रहा हूँ, मेरे साथ पीछे पक के पीछे आ रही है, अच्छा वो बच गया, लेकिन वहाँ पर गिरते गिरते बता भाई बहुत बुरा वहाँ पर। और पांच लोग एलिमेंट हुए, दो ही लोग बचे भाई, देखते कितना लंबा खेलेंगे ये दो लोग, और बस किक विक नहीं मारना चाहिए भाई लोग, अच्छे ए भाई वो गया भाई फुटबॉल वाला गया वहाँ पर भाई, रग्बी का छोड़ ए वो रे भाई कहाँ बच के अंदर आया वो, ये गेम को रग्बी वाले कितने फुटबॉल बोलते इसको भी, मतलब हाथ में बॉल लेके भागते पूरा और फुटबॉल बोलेंगे इसका मतलब क्या 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 मतलब क्या बोलने का अभी। यहाँ पर अभी कितने पाँच ही लोग, हड्डी एलिमेंट होगा क्या, हड्डी एलिमेंट होगा बच गए, हड्डी शायद बच चुका है पीछे, ये जाएगा भाई ये जाएगा अभी बास्केटबॉल वाला, ये फुटबॉल वाला जाएगा गया भाई फुटबॉल वाला गया यहाँ पर। और बस यहाँ पर वैसे वो रग्बी का सूट है ठीक है, मैं फुटबॉल ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि काई के लिए भाई, क्योंकि फुटबॉल उसको बोलते हैं गेम को, बहुत लोग उस गेम को फुटबॉल भी बोलते हैं, रिप्ले हड्डी जाएगा हड्डी जाएगा, यहाँ पर ट्रिक हो जानी चाहिए भाई, ट्रिक पे कहाँ भाग रहा हूँ भाई मैं, कहाँ भाग के निकल गया वहाँ पर, मेरा जॉयस्टिक आगे पीछे हो गया था फालतू में यार, यहाँ पर निकलना पड़ेगा अच्छे से। और जीत गया भाई अब तो जीतेगा एकदम, अब जीत गया भाई एकदम, सातवां मैच जीत गया अपना, बस मुझे तीन मैच और जीतने, यहाँ पर मेरी दो मैच की स्ट्रीक भी बन चुकी है, देखते क्या होगा आगे अभी। और यहाँ पर आ चुका है ब्लॉक डैश वापस से, तो भाई यहाँ पर एक प्लेयर गायब हो गए, अबे आठ प्लेयर खड़े थे एक प्लेयर गायब हुआ शायद, हाँ एक प्लेयर भाई अभी गायब हुआ सामने सामने एकदम कोने में खड़ा था भाई, लेफ्ट साइड में खड़ा था पूरा वो, और मैच चालू था भाई बंद कर दिया उसने अपना गेम ही बंद कर दिया यहाँ पर, तो अच्छी बात है भाई, एक जिसने स्टार्टिंग में एलिमिनेट होगा छह लोग बचे बस यहाँ पे। और यार ये मैच अगर मैं जीता तो मेरी तीन मैच की स्ट्रीक बनी की देखते बनती है कि नहीं वो, यहाँ पर आराम से कूद के हट गया भाई, पीछे हट जाएंगे भाई पीछे हट जाएंगे आराम से, और मैं फालतू में पता नहीं क्यों डाइव मार जा रहा हूँ, बस फालतू में डाइव मार जा रहा हूँ बिना कुछ, ओए भाई किक मार रहे भाई ये दोनों, कोई तो था पीछे जो किक मारा था मैं ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन हड्डी ने लाल हड्डी किक मारा मेरे सामने, इन लोग को मारेंगे भाई इन लोग को अपन भी, अरे ये तो ये फुटबॉल वाला है, तो फुटबॉल वाला ही सॉकर वाला फुटबॉल वाला कुछ भी बोला, सॉकर वाला दिख के लगता भाई ऐसा, सॉकर वाला ज़्यादा लगता है देखकर, वो फुटबॉल वाले ज़्यादा सॉकर वाला दिख के लगता है, वैसे दोनों गेम सेम ही है यार ये क्या बोले यार मैं। यहाँ पर देखो आराम से एकदम आराम से चढ़ गएंगे इसके ऊपर भी चढ़ गया अभी मैं, और यहाँ पर अबे भाई बच गया बच गया बच गया, मुझे लगा था किक मारेगा इसलिए मैं कूद के आ गया सामने, और अभी आराम से भाई देखो पंच मार रहा है, तो देखो हड्डी को देखो पंच मारने का स्टेडियम पे कूदा मैं, मेरे को लग ही रहा था इस साइड आएगा वो पंच मारने के लिए, देखो ये निंजा भी किक कर रहा है, मेरी किक लगी नहीं लोगों को, आराम से भाई हट जाओ पीछे पहले, आराम से आएंगे भाई आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पर चलो उसने रास्ता बना दिया अपने लिए, मैं सोचा था कहाँ से आएगा, उसने रास्ता भी बना दिया हम लोग के लिए। और यहाँ पर पाँच लोग एलिमिनेट हुए, दो लोग बचे भाई, दो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, चलो एक नंबर। यहाँ पर कितना लंबा खेलेंगे ये लोग, आराम से चलेंगे इसके ऊपर, किक क्यों मार रहा भाई वो, अरे भाई नीचे गिर गया मैं, और चलो अच्छी बात है वहाँ पर वो आया नहीं ब्लॉक तोड़ने वाला आया नहीं, अरे यार नीचे से आना पड़ेगा इसके, आराम से डाइव मार के, अरे भाई धक्का क्यों दे रहा भाई, हड्डी हड्डी धक्का दिया वहाँ पे जाके मेरे को उसने फुल, अरे कहाँ से आने का यार, रास्ता ही नहीं यहाँ पे, रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, अबे यार वो चलो कोने में रास्ता, कोने में रास्ता लात मार के तोड़ दिया उसको मैंने,
और उनको यहाँ पाया कि ऊपर अरे हड्डी आ चुका है, हड्डी आ चुका है, हड्डी को हटाएंगे अभी। यहाँ पर ये ट्रिक हो जाने, ये ट्रिक हो जाएगी भाई, हो जाएगी, ट्रिक हो गई मेरे से, और डाइव मार दूंगा। अबे डाइव क्यों मारा भाई, डाइव गलत टाइम पे मार दे। चलो हड्डी गिर गया, वहाँ पर हड्डी गिर गया और मैच जीत गया अपना 8वां मैच यहाँ पे। बस मुझे अब 2 मैच और जीतना, यहाँ पर मेरी 3 मैच की स्ट्रीक बन गई भाई फाइनली। और देखते भाई आखिरी के 2 मैच कैसे तो अपने आगे के में, और आ चुका है यहाँ पर लावा रस आ चुका है। तो भाई इससे पहले 1 मैच हार गया यार अपनी, मेरे को लग रहा था 5 मैच की स्ट्रीक बनाई लूंगा, लेकिन भाई हार गया वाली मैच। और देखते हैं आज कैसे जीतूंगा, अभी आराम से जीतना पड़ेगा भाई, आराम से खेलेंगे, जीत भी जाऊंगा एकदम आराम से, कूद के आऊंगा। ए भाई गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, बच गया, चलो बच गया, ऊपर आ गया और आ चुका है ऊपर, पहुंच गया भाई आगे की तरफ। और ये लोग किक नहीं मारना चाहिए, बस मैं आराम से खेलूंगा यहाँ पर बिना किक मारे। ये लोग अगर किक मारे तो भाई मेरे को भी किक मारना पड़ेगा यहाँ पर आराम से। चलो चढ़ गया इसके ऊपर, और अभी बिना किक मारे खेल सकते हैं भाई इस गेम को पूरा का पूरा। लेकिन भाई जिन लोगों के पास किक नहीं है लोगों का असली दर्द कोई समझ नहीं सकता भाई, जिन लोगों के पास पंच और किक नहीं है लोगों को बहुत मार पड़ती है, क्योंकि भाई बेचारे लोग मार ही नहीं सकते किसको भी। और यहाँ पर इसने लेने का बिल्कुल चढ़ गया आगे, क्योंकि भाई वो लोग किसी को कुछ कर ही नहीं सकते, लोग को बच के रहना पड़ता है सबसे फालतू में। वो भी गेम वाले को रखना चाहिए था यार कि इतने इतने जेम्स में डायरेक्ट किक निकालो भाई, पहले 1200 जेम्स जमा करो, फिर ये पास अनलॉक करो, ये करो वो करो, सीधा भाई आते आते जेम्स में सीधा वो कराते ना, सीधा दे दा सीधा पंच और किक इमोट। और यहाँ पर जीत गया अपना 9वां मैच जीत गया यहाँ पर, और मेरी यहाँ पर एक भी स्ट्रिक नहीं बन पाई वैसे तो। और यहाँ पर बस मुझे 1 मैच और जितना आगे का देखते भाई कैसे तो अपना आखिरी मैच में अपना आज का। और यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर जंगल रोल आ गया है मेरा 10वां मैच। तो भाई इससे पहले 2 मैच हार गया मैं, और इससे पहले एक ऐसी लेवल आई थी ना मुझे, मतलब पिछला जो मैच खेल रहा था मैं उसके अंदर एक ऐसी लेवल आ गई थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी भाई, 20 मिनट हो गए खेलते खेलते खत्म ही नहीं हो रही थी। तो आप लोगों को गेस करना है कि वो लेवल कौन सी है। वैसे जब आप लोग आना वीडियो देखेंगे तो रात में वाली वीडियो भी डाल दूंगा जो लेवल कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, मतलब भाई मैंने 20 मिनट खेला उस लेवल पर, वो लेवल खत्म हो ही नहीं रही थी, और पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे उस लेवल के अंदर, खत्म हो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर पहुँच गया आगे की तरफ में, और किक तो मार ही दूंगा भाई, किक मार ही दूंगा, क्योंकि भाई जो पिछले राउंड में मेरा दिमाग खराब हुआ ना पिछले मैच के अंदर, वो लेवल भाई खत्म हो ही नहीं रही थी। मैं कितना 20 मिनट बैठ के खेला, फिर मैंने गेम बंद कर दिया, लेकिन भाई वो लेवल खत्म ही नहीं हो रही थी। खेले जा रहे थे भाई, 3 लोग बचे हुए थे, तीनों के तीनों खेले जा रहे थे हम। तो आप लोग अगर रात में वीडियो देखोगे, शाम तक 6 बजे तक वीडियो डाल दूंगा, 6 बजे के आसपास कुछ, तब आप लोग वीडियो देखना तो भाई आप लोगों को मजा आएगा, आप लोग देखेंगे भाई कौन सी लेवल थी वो और क्यों खत्म नहीं हो रही। तो भाई यहाँ पर मैं जीत गया अपना 10वां मैच, और इसका और अभी जो मेरा जो स्ट्रीक तो बनी नहीं, लेकिन भाई मेरा जो आज का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है अभी। तो गाइस अभी जो मेरा आज का टारगेट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, और आज के 10 मैच जीतने के लिए मैं हार गया, टोटल 7 मैच हार गया भाई आज, मतलब आज का दिन कुछ ज़्यादा खराब चल रहा था, 7 मैच हार के मैं 10 मैच जीता हूँ। और अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है 4540 क्राउन जीतने का। तो गाइस आज के लिए बस इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको मिलूंगा मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।